मैं सिद्दीकी साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और खासतौर पे एक्सपैट पाकिस्तानी को मोटिवेट करना टुवर्ड पाकिस्तान, टू इन्वेस्ट हेयर, टू कम हेयर, टू डेवलप हेयर, दिस आवर कंट्री, आवर के अंदर जो है इसकी प्रॉस्पेरिटी, इसकी डेवलपमेंट, इसके लिए हमें सोचना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानी के पास बहुत नॉलेज भी है, एक्सपर्टीज भी है, मल्टीकल्चरल सोसाइटीज में रहने से उनको एक ये अवेयरनेस भी है कि उन मुल्कों ने कैसे तरक्की की। आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री देखें, आप इवन आप अमेरिका में हैं तो आप जो मूवमेंट अमेरिका की आज़ादी की तारीखों का वो देखें कि उसके बाद उन्होंने कैसे अपने आप को नेशन बिल्डिंग कैसे की। एथनिक मतलब स्पेनिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, ब्रिटिश है, इंग्लिश है, वो सब एक नेशन कैसे बने। तो पाकिस्तान के लिए भी ये तजर्बा, खासतौर पर जो US का तजर्बा है, पाकिस्तान इसी तरह की एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, एथनिक ग्रुप्स हैं, लोग माइग्रेट करके आए हुए हैं, ये चीज़ें। तो इसमें यह कि ये अवेयरनेस एक्सपैट पाकिस्तानी और पर्टिकुलर नॉर्थ अमेरिका तो वो दे सकते हैं, तो हमें इस मामले में अच्छी तरह, और आपका ये जो इनिशिएटिव है बेटर पाकिस्तान, अपने नाम के एतबार से भी, अपनी सोच के एतबार से भी, आपकी जो पेट्रियाटिज्म है और आपका जो ओरिजिन ऑफ दिस लैंड जो है जहाँ से आपने जन्म लिया, तो उसके साथ आपकी कमिटमेंट को जाहिर करता है। मैं आपको आपका मुझे इस जगह बुलाने का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। तो और मेरे लायक जो भी आप इस फोरम में जितने भी दोस्त शरीक हैं, मैं उन सबको दावत भी देता हूँ कि इस पे मेरी सोचें और बेटर पाकिस्तान को बाकी एक ख्वाब से हकीकत में बदलने की कोशिश कर सकते हैं हम सब मिलकर।